आईडेक्स 2021 डिफेंस एग्जीबिशन में बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं हमें सामने देखने को मिले हैं। 21 अगस्त तक ये जारी रहेगी, लेकिन शायद पाकिस्तान नेवी के केस में जिना क्लास फ्रिगेट का मॉडल सबसे अहम हिस्सा होगा। ना पाकिस्तान नेवी के केस में जिना क्लास जो है पाकिस्तान नेवी की इंडिजनाइजेशन में एक बहुत अहम स्टेप हो सकता है। जो मॉडल आईडेक्स 2021 में डिस्प्ले किया गया है, इसमें दो चीज़ें जो हैं हमें जहन में रखनी होंगी। इनिशियली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिना क्लास जो है वो इस्तांबुल क्लास टर्किश फ्रिगेट से काफ़ी इंस्पायर्ड होगी, या जिसे जे क्लास फ्रिगेट भी कहा जाता है। अभी तक जो मॉडल्स दोनों के सामने आए हैं उनमें हम वाजे डिफरेंस दोनों के दरमियान देख सकते हैं। सो ऐसा मुमकिन है कि जो हम इनिशियली सोच रहे थे उसके बरक्स दोनों में जो है थोड़ी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज को फॉलो किया जा सके। दूसरा जो बात हमें जहन में रखनी होगी वो ये कि ऑल्दो ये मॉडल शो किया गया है, लेकिन इसमें ऑब्वियस चेंजेस मतवक्के हैं। हमने बाबर क्लास मिलगम के केस में भी ये देखा था कि ऑलमोस्ट जब ये कंसिडर किया जा चुका था कि बाबर क्लास का डिज़ाइन जो है फाइनलाइज हो चुका है, उसके बाद हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वाजे हुई कि बाबर क्लास में 16 सेल HHQ16 की जगह पर 12 सेल 3x2 आल्बेट्रॉस एनजी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसमें ज़रूर हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लास्टली इसमें जो आर्मामेंट्स मौजूद हैं इसका भी सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। बहरहाल एक क्लोज इन वेपन सिस्टम देखा जा सकता है, उसके बाद 16 सेल VLS सिस्टम, पॉसिबली एंटी शिप मिसाइल्स और एंटी सबमरीन रॉकेट के कैनिस्टर सामने आ रहे हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है कि कौन से सिस्टम्स जो हैं इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। ऑल्दो हरबा जो है वो पॉसिबल है, और पाकिस्तान नेवी के फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने जो है इस चीज़ का अंदिया हमें दिया हुआ है कि एक सुपरसोनिक मिसाइल और एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान नेवी के लिए इन डेवलपमेंट में मौजूद है। सो इन चीज़ों की भी इंटीग्रेशन हमें इस शिप के साथ आने वाले सालों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एस्टिमेटेडली आज से 5-6 सालों के बाद हमें पहली जिना क्लास जो है देखने को मिलेगी। आखिर में इसके नंबर्स की बात करें तो ये एक 3300 टन की प्रपोज शिप है। इसकी लेंथ 119.55 मीटर, बीम 15.40 मीटर, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 26 नॉट, और 200 क्रू मेंबर्स जो हैं इसमें अकोमोडेट किए जा सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर मद्देनजर रखें तो वी विल हैव टू सी कि ये पाकिस्तान नेवी की हैवियर टनेज की शिप्स में शामिल होती है कि नहीं। बहरहाल अभी के लिए डिफेंस एक्सपो आईडेक्स 2021 के अंदर जिना क्लास का मॉडल जो है वो डिस्प्ले कर दिया गया है। अफगानिस्तान में इस मौके पे बहुत ही फ्लूइड डेवलपमेंट जारी है। कल इस चीज़ की कंफर्मेशन हमें वाजे हो गई थी कि अफगानिस्तान के आई गेस फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ वनी जो हैं उस मौके पे यूएई में रिफ्यूज हासिल कर चुके हैं। इनके हवाले से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा था कि अशरफ वनी अपने साथ $169 मिलियन के रिजर्व जो हैं वो साथ लेके गए हैं। तो उन्होंने बाद में अपने फेसबुक लाइव में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस चीज़ को डिनाई किया है। ऑल्दो इस हवाले से कोई भी चीज़ कॉन्क्रीटली नहीं कही जा सकती। US ने जो है इंटरनेशनल अफगानिस्तान बैंक के $9 बिलियन के रिजर्व सीज कर लिए हैं। आई थिंक तालिबान को अफगानिस्तान हासिल करने में जो जंग लड़नी पड़ी है उससे कई गुना सख्त इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो इनकी राह देख रही है, जो कि अमेरिका की जानिब से उन पर मुसल्लत की जा सकती है। एनीवेज इसके बाद जो है अफगान आई गेस फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो अब खुद को प्रेसिडेंट कहलवा रहे हैं अमरुल्ला साले, उनकी वेयर अबाउट्स में भी कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी मौजूद है, लेकिन बेस्ट एस्टिमेट्स में वो पंचेन में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के साथ जो है रेजिस्टेंस को लीड कर सकते हैं। ऑल्दो अहमद शाह मसूद के छोटे भाई अहमद वली मसूद जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक अभी अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जो हैं इस किस्म की कोई चीज़ जो है लीड नहीं कर रहे, जबकि अमरुल्ला साले से अभी उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हालात ख़राब हुए तो अहमद मसूद जो है इस हवाले से किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो है लीड कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। पाकिस्तान के हवाले से दो अहम चीज़ें पिछले चंद घंटों में हम अखज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान उन चंद एम्बेसीज में से है जो कि इस वक्त काबुल में ऑपरेशनल है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये चंद एम्बेसीज हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशनल हैं, और पाकिस्तान वो वाहिद एम्बेसी है जो कि इस मौके पे अवाम अवाम को वीज़ा असिस्टेंस फराहम कर रही है। काबुल एयरपोर्ट पे इस वक्त हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं, लेकिन PIA की जानब से इस हफ्ते रूटीन की 5 फ्लाइट्स के बरक्स 14 फ्लाइट्स जो हैं परवाज़ की जाएंगी। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1100 अफराद जो हैं उनका अफगानिस्तान से रेस्क्यू किया जा चुका है। काबुल में पाकिस्तान के एम्बेसडर ने रशियन और चाइनीज एम्बेसडर से चंद अहम मुलाकातें की हैं। एक और जो बहुत अहम, शायद पाकिस्तान के हवाले से सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने एक पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू में जो है TTP के अफगानिस्तान में रोल के हवाले से जवाब दिया है।
और इसमें क्लियरली इस चीज़ को तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने स्टेट किया है कि TTP का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है। ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिहाज से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से। वेदर इस पॉलिसी को कितना इम्प्लीमेंट वो कर पाते हैं ये यकीनन हमें देखना होगा, क्योंकि इस चीज़ के वाज़ सबूत हमें मौजूद है कि TTP के सीनियर लीडर जो हैं वो फरार हो गए हैं और इनकी वीडियोस भी जो हैं TTP की जानिब से रिलीज की गई हैं कि अब वो TTP के साथ दोबारा शामिल हो चुके हैं। सो लेट्स होप कि इन पॉलिसीज पे जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन की जा सके और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात में मजीद बेहतरी देखने को मिले। लास्टली इस हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट आज फ्राइडे को निकल के सामने आई है और वो ये कि इस चीज़ का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि संडे के दिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो काबुल का विजिट करने वाले हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना अहम विजिट हो सकता है, लेकिन लेट्स वेट एंड सी कि इसमें क्या रिजल्ट जो हैं हमें देखने को मिलते हैं।